एक लोकोमोटिव वाली पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेनों में दो लोको पायलट क्यों होते हैं, जबकि लोकल ट्रेन में मात्र एक ही लोको पायलट होते हैं? तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। पहले इस बात को हम तकनीकी तौर पर समझते हैं। इंडियन रेलवे ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली जैसी व्यस्त रेलवे रूटों पर चलने वाली लोकल ट्रेन EMU या अन्य सभी मार्गों की EMU ट्रेनों में एक मोटरमैन नियुक्त किए गए हैं और उनके साथ एक गार्ड रहते हैं। यही दोनों मिलकर ट्रेन को चलाते हैं, जबकि अन्य सभी ट्रेनों जिसमें आगे लोकोमोटिव यूज किया जाता है उनमें दो लोको पायलट नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें एक लोको पायलट होता है और दूसरा उसका सहायक यानी असिस्टेंट लोको पायलट। अब सवाल यह है कि लोकोमोटिव वाले ट्रेन में दो लोको पायलट की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि लोकल ट्रेनों में सिर्फ एक से ही काम चल जा रहा है? तो इस बात को समझने के लिए कुछ जरूरी वजहों को समझते हैं, जिसमें पहली वजह है शेड या यार्ड में इंजन को तैयार करने के लिए। लोकल ट्रेन को शेड या यार्ड में कर्मचारियों के द्वारा तैयार करके मोटरमैन को दी जाती है। मोटरमैन वहां जाकर सिर्फ ट्रेनों का चार्ज लेते हैं और परिचालन संबंधी जांच करके इस स्टेशन की तरफ चल देते हैं, क्योंकि एक लोकल ट्रेन में तीन या चार पावर यूनिट होती है, इसलिए एक खराब भी हुआ तो बाकी दूसरे से काम चल जाता है। इसे अकेला मोटरमैन केबिन से कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि लोकोमोटिव वाले ट्रेन में लोको पायलट को स्वयं लोको शेड या यार्ड में जाकर पूरे लोकोमोटिव की पूरी तरह से चेकिंग करनी पड़ती है, जिससे असिस्टेंट लोको पायलट अपने मेन लोको पायलट की मदद से सारी जांच को पूरी करते हैं। इसके लिए वहां पर दो व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। दूसरी वजह है संचालन के दौरान समय का ब्योरा लिखने के लिए। लोकल ट्रेनों में मोटरमैन बहुत किसी भी तरह के टाइम इनका ब्योरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। लोकल ट्रेनों में यह काम गार्ड के द्वारा किया जाता है और वही इसकी गतिविधियों का ब्योरा समय आने पर पेश करते हैं, जैसे कि ट्रेन कब रेडी हुई, लाइन कब क्लियर मिली, ट्रेन कितने देर कहां पर रुकी, चेन पुलिंग कब की गई आदि। जबकि लोकोमोटिव वाले ट्रेन में यह ब्योरा असिस्टेंट लोको पायलट के द्वारा लिखना पड़ता है, क्योंकि मेन लोको पायलट का काम होता है वो एकाग्रचित होकर ट्रेन को चलाए, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तक जाना होता है। तीसरी वजह है ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करने के लिए। लोकल ट्रेनों को हर स्टेशन पर रुकना होता है या मोटरमैन को पहले से पता होती है, इसलिए उन्हें सिग्नल को कंफर्म करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि अन्य लोकोमोटिव वाली ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकेगी और किसी स्टेशन को स्किप करेगी, जिसके लिए मेन लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट से बोलकर सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं और ये कंफर्म होते हैं कि अगला सिग्नल क्या है, ताकि किस गलती की संभावना न रहे। और टर्निंग पर गार्ड को ग्रीन झंडी दिखाकर ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि गार्ड को पीछे से पूरी ट्रेन दिखाई देती है। इन सब कामों के लिए एक असिस्टेंट लोको पायलट का होना जरूरी होता है। चौथी वजह है कि रेलवे की रूल के मुताबिक लोकोमोटिव को रनिंग अवस्था में बिना किसी पर्सन के खाली नहीं छोड़ सकते और ना ही उन्हें बार बार बंद या चालू किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर लोको पायलट को प्रसाधन आदि के लिए कहीं जाना हो, तब वहां असिस्टेंट लोको पायलट की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि लोकल ट्रेनों में उसे बंद करके भी जाया जा सकता है। पांचवी वजह है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में बीच बीच में उनके लोकोमोटिव की टूट फूट की जांच करनी पड़ती है, जिसके लिए एक असिस्टेंट लोको पायलट की जरूरत पड़ती है। और आखिरी वजह ये है कि इंडियन रेलवे का यह नियम है कि रेलवे सीधा लोको पायलट की भर्ती नहीं करता है, वह पहले असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर नियुक्ति करता है और उन्हें 3 साल के प्रशिक्षण के बाद पैसेंजर ट्रेन दी जाती है, जिसके लिए एक असिस्टेंट लोको पर है ट्रेन में नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल ट्रेनों में एक लोको पायलट और अन्य लोकोमोटिव वाली ट्रेनों में दो लोगों को क्यों नियुक्त किए जाते हैं। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।